press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इसका मुख्य मान ज्ञात करके दिखाइए। किसका? तो कॉट इनवर्स रूट थ्री का। कॉट इनवर्स रूट थ्री का प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग कॉट इनवर्स रूट अंडर थ्री को थीटा मानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। लिखिए, लेट कॉट इनवर्स रूट अंडर थ्री इज इक्वल टू थीटा, देन रूट थ्री इज इक्वल टू कॉट थीटा, क्योंकि कॉट यहाँ पे इनवर्स में है, दूसरी तरफ जाएगा तो फंक्शन में चला जाएगा, यानी रूट अंडर थ्री बराबर कॉट थीटा। थोड़ा सा सजा लेंगे इसको, इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर रूट थ्री, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर थ्री। अब देखिए कॉट का मान रूट थ्री कहाँ होता है? तो कॉट का मान रूट थ्री पाई बाई सिक्स पे होता है। यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर कॉट पाई बाई सिक्स, है ना, इसलिए यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा थीटा बराबर पाई बाई सिक्स, थीटा बराबर पाई बाई सिक्स। लिखेंगे नाउ कॉट इनवर्स रूट अंडर थ्री बराबर, चूँकि थीटा जो हम माने थे कॉट इनवर्स रूट थ्री को माने थे, लिख देंगे कॉट इनवर्स रूट अंडर थ्री बराबर पाई बाई सिक्स। यदि ये वीडियोज मेरा पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपके पास पहुंचते चले। नाइस टू मीट यू, थैंक यू।